मॉर्निंग फ्रॉम अष्टमी। तो आज है अष्टमी और आज अभी हम चल रहे हैं पुष्पांजलि देने। आज है डे फोर ऑफ चलो तुम्हारे दुर्गा पूजा घोराई। तो आज अष्टमी और आज का हमारा ड्रेसअप होने वाला है ये ब्लैक शर्ट, उसके साथ ये ग्रे पैंट जो कि बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन देता है। एक्सेसरीज के लिए वही सिल्वर टाइटन का वॉच और ईयर रिंग, पर ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ये ग्रे पैंट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर चेकआउट कीजिए। ये मुझे बेस्ट लगता है ब्लैक शर्ट के साथ पेयर करने के लिए, तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और पूरा लुक ये रहा। तो इन पिछले 3 दिनों में हमने मैक्सिमम कोलकाता के सभी पंडाल्स, अच्छे अच्छे पंडाल्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आज के दिन हमने डिसाइड किया कि राजबाड़ी कवर करेंगे। तो राजबाड़ी क्या होता है, राजबाड़ी मैं आपको समझा दूं, जो कि राजाओं के जमाने के जो घर बनी रहती है ना, उनमें पूजा की जाती है, ठीक है। कुछ कुछ राजबाड़ी है जो बहुत ही फेमस होते हैं, मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ और आने वाले वीडियो में भी मैं आपको राजबाड़ी घुमाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो के लिए ये रहा पहला राजबाड़ी। तो पहला राजबाड़ी होने वाला है मदन चांद रायबाड़ी, और इसमें कुछ ऐसा थीम नहीं होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी राजबाड़ी में कुछ थीम बेस्ड पूजा नहीं होता है, लेकिन ये पूरा ऑथेंटिक पूजा जो होता है, ऑथेंटिक दुर्गा पूजा जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है, वो पूजा आपको देखने को मिलेगी। और ये है सेकेंड राजबाड़ी श्री कृष्ण दाबाड़ी, और यहाँ भी वैसे ही सिंपल बट ऑथेंटिक दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और क्योंकि हर राजबाड़ी में एक ही जैसा ऑथेंटिक दुर्गा पूजा किया जाता है, तो हमने डिसाइड किया कि जो जो अच्छा अच्छा पंडाल जो थीम बेस्ड होते हैं बड़ा बड़ा, उसको कंप्लीट करने के बाद, तो ये है हमारा थर्ड पंडाल, थर्ड विजिट और फर्स्ट पंडाल जो है, ये है आली टोला। पेंटिंग है वो सब घरों में किया गया, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा यूटिलाइज किया गया। तो ये है कुमारटुली पार्क और इसका सीन्स कुछ ऐसे हैं। हाँ, तो ये है कुमारटुली पार्क और इसका थीम अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ ये है रेडियो, रेडियो के ऊपर बेस्ड है। और इसमें मैंने वहीं पर अपने कॉन्फिडेंस को हाई रख के और अपने डर को साइड रख के वहीं पर मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। धीरे धीरे सीखना भी तो पड़ेगा पब्लिक के सामने कैसे बात किया जाता है आपसे। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी आप कुमारटुली विजिट कीजिएगा तो ये जो चाय का दुकान है इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको जरूर से विजिट कीजिएगा। पर मैं दुर्गा पूजा में जाने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ऐसे ही नॉर्मल डेज में विजिट कीजिएगा और यहाँ का चाय ट्राई कीजिएगा एक बार। तो अब यहाँ से हम लोग, ये है बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत ही फेमस एक दुकान टाइप, ये रहा वो। और यहाँ का मोमो, पहाड़ी मोमो 70 रुपए प्लेट, और वो हम ऑर्डर किए हैं, आपको दिखाते हैं डिफरेंस क्या है वो बताएंगे आप। नो डिफरेंस बिटवीन स्टीम मोमो एंड पहाड़ी मोमो। और ये जो पंडाल है ये है सिकदार बागान, ये नाम मुझे याद करने में लिटरली 10 बार इससे पहले मैंने रिपीट किया, पर कोई नहीं, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। तो ये है सिकदार बागान और इसका थीम नहीं समझ में आया मुझे, सकते हैं हम VIP पास से गुजरे थे, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है, जो हाइप यहाँ पर मेंटेन की गई है, वो हाइप का कुछ वैसा बना नहीं था। ऑनेस्ट रिव्यू,
और आज लास्ट पंडाल जो होने वाला है वो है हाथी बागान नोबिन पोल्ली, और इसका थीम है टोटली 90s नहीं 80s का जो थिएटर हुआ करता था उसके बेस पे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। सीरीज अब आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए एंजॉय डे।